नमस्कार फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सेफायर मैनेजर हूं। आज फर्स्ट टाइम कितने लोग आए प्लीज रेज योर हैंड्स अरे आधे से ज्यादा लोग तो फर्स्ट टाइम ही लग रहे हैं देखिए आज आप लोगों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है आपकी लाइफ बदलने वाली है आज आप आप में से ज्यादातर लोगों की लेकिन क्या इसके लिए आप तैयार हैं क्या बात है काफी एक्साइटेड लोग लग रहे हैं खैर मैं मेरठ आया आज तो मुझे ऐसे लगा जैसे अपने गांव में आ गया हूँ और मेरठ में मेरे भाई की एक्चुअली ससुराल है मेरठ तो कई बार यहाँ पे आने का मौका मिलता था तो जो दामाद की जो खातिरदारी होती है तो जब मैं मेरठ आता हूँ तो वो भी याद आ जाती है क्योंकि <laughs> तो पुरानी यादें ता, ताज़ा हो जाती हैं खैर देखिए जब आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो ज़्यादातर केसेस में उसका प्राइस आपको पे करना पड़ता है वो पेन आपको उस पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा गांव बुलंदशहर ज़िले में एक छोटा सा गांव था फिर नया ज़िला बना गाज़ियाबाद तो मेरा गांव उसमें ट्रांसफ़र हो गया फिर नया ज़िला बना गौतम बुद्ध नगर फिर उसमें ट्रांसफ़र हो गया यानी कई बार बदल गया अभी क्या है जो मेरी पढ़ाई के दौरान भी काफ़ी मुझे स्ट्रगल आई पढ़ाई जैसे जैसे मैं आगे बढ़ना चाहता था आगे पढ़ाई करना चाहता था लेकिन घरवाले तैयार नहीं थे घर वाले कहते हैं कि आप शहर में जाओ और कोई छोटा मोटा काम कर लो या गांव में ही कुछ कर लो लेकिन मेरे दिमाग में फितूर था मुझे लगता है कि आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना चाहिए तो मैंने घरवालों से बात की घरवालों ने मना कर दिया जी हमने नहीं पढ़ाना मैंने कहा मैं घर से भाग जाऊंगा और फिर नहीं कहना कि क्या हुआ तो उन्हों का कोई बात नहीं भाग जा उसके बाद मैंने उनको और धमकी दी कि मैं दो तीन साल नहीं आऊँगा फिर क्या करोगे ये है तो क्या है आजकल तो एक दो बच्चे होते हैं लेकिन गांवों में ऐसे दर्जनों बच्चे होते हैं तो एक दो इधर उधर भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता तो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि पढ़ाई करने के लिए मुझे घर से भागना पड़ा और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर तरह तरह की कठिनाइयाँ आनी थी क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसा भी चाहिए पैसा पैसे के लिए क्या है मैं कई बार ट्यूशन करता था कई बार पार्ट टाइम जॉब करता था लेकिन ट्यूशन भी हमेशा नहीं मिलते पार्ट टाइम जॉब भी हमेशा नहीं मिलते उस तरह की सिचुएशन आती है। तो मुझे काफ़ी अनुभव है भूखा रहने का काफ़ी अनुभव है मुझे और चने खा के सोने का थोड़े से चने खा के ज़्यादा पानी पी के सोने का केले खा के सोने का उस तरह के काफी अनुभव बल्कि एक बार क्या हुआ मैं दो दिन से भूखा था और मुझे ऐसे लग रहा था इस बार तो कि प्राण ही निकल जाएंगे जैसे और फिर गांव से मैं करीब एक हज़ार किलोमीटर दूर था तो एक नॉर्थ इंडियन फैमिली वहां पर रहती थी तो उनके यहाँ से चने और ये पूरी ये आई उनके यहाँ कुछ था तो जब यह मुझे खाना आया तो मुझे ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान मुझे वो खाना देने आए हो। तो मैंने सोचा कि मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ तो मैंने आँखें बंद की और भगवान का धन्यवाद किया जैसे ही आँखें खोली बिल्ली खाना लेके भाग गई। जो थोड़ा बहुत बचा जो चने वगैरह बचे वो भी खाए नहीं क्योंकि झूठे हो गए थे बिल्ली के तो आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो ये परेशानी आपको आएंगी आएंगी अब खैर पढ़ाई पूरी हुई पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी चालू की करीब चार साल तक मैंने नौकरी की इसमें ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था और तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी एक बच्चा भी हो चुका था अब इस नौकरी के दौरान मुझे ऐसे लगा यहां कितने लोग नौकरी करते हैं प्लीज रेजिंट काफी लोग हैं आप क्योंकि मुझे हैंड टू माउथ रहता था तो आप मेरा दर्द समझ रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता था कि दिल्ली सिटी के अंदर मैं एक अच्छी कॉलोनी में एक अच्छा सा घर भी नहीं बना पाऊंगा बनेगा तो जब साठ पैंसठ की उम्र होगी जब कवर में पैर लटके होंगे तब तक बनेगा और मुझे ये मंजूर नहीं था मुझे ऐसे लगता था कि यह कीड़े मकोड़े वाली लाइफ क्या मैं इसी तरह जीऊँगा क्या मैं अपनी वाइफ को बच्चों को ये लाइफ देने वाला हूँ तो मुझे ये मंजूर नहीं था तो मैंने नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया जैसे ही नौकरी छोड़ी मेरे घर वालों की तरफ से मेरे वाइफ के घर वालों की तरफ से बहुत जूते पड़े लेकिन पता नहीं मेरी वाइफ को जो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों <laughs> उसने इतना विश्वास किया मेरे को। खैर मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस चालू किया बिजनेस बढ़िया चल निकला फिर सडनली क्या है बिज़नेस में लॉसेस हो गई हम कंपनीज से लेते थे सामान और आगे कंपनीज़ को सप्लाई करते थे तो जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे एक एक करके कई कंपनियां बंद हो गई जितना कमाया था सब चला गया उल्टा कर्जा चढ़ गया अब मैंने सोचा ये क्या ख़तरनाक बिजनेस कर लिया तो मैं एक सेफ बिजनेस को तलाशने लगा और एक ताइवान में एग्जीबिशन होती है साल में एक बार तो मैंने ये सोचा कि वहाँ से कोई नया प्रोडक्ट लाएंगे और ये जो घाटा है ये पूरा कर देंगे एक्चुअली घाटा तो काफ़ी ज़्यादा था यानी वो घाटा उतना ही होता तो 20 30 साल में भी उतरता नहीं लेकिन हमने कंपनियों में बैठ बैठ के बैठ बैठ के काफ़ी पैसा उसमें से रिकवर कर लिया लेकिन फिर भी काफ़ी पैसा रह गया तो खैर मैं जो है फिर मैंने सोचा कि ताइवान से नया प्रोडक्ट लाके ये कंप्लीट करेंगे ये सारा जो घाटा हो गया है तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ मुझे कई अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और मुझे ये कहते हैं एलोवेरा और ये हेल्थ ब्यूटी और वेल्थ तो एक पंद्रह बीस लोगों की मीटिंग थी वो मैंने अटेंड की और उसमें बाद में वो कहते हैं जी आप ये फॉर्म वगैरह भर दो और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ तो मैंने उनसे पूछा भाई आपकी कंपनी कहाँ पे है ये इंडिया में तो कहते हैं कि कंपनी तो नहीं है इंडिया में तो नहीं है तो मुझे ऐसे लगा कि ये लोग ठग हैं इंडिया में कंपनी भी नहीं है मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं मैं मुझे ऐसे लगा ये 100 200 400 डॉलर ठगने के चक्कर में तो मैं उनसे बचने का कोई रास्ता निकालने लगा कि भाई इधर से खिसक लो गलत फंस गए कहीं फिर बात बातों में पता चला कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो मैंने कहा फ्री में बनते हैं तो बना दे भाई जो होगा देखा जाएगा तो मैं बन के चला आया उधर और आके भूल भाल भी गया मैं फिर करीब डेढ़ साल बाद मुझको फोन आया जी कि ये बॉम्बे में कंपनी खुल गई है और वहाँ आप जाइए और वहाँ पे काम कीजिए मैंने कहा भाई मैं तो दिल्ली में हूँ और बॉम्बे क्या करूँगा मैं तो मैंने अमरजीत सर को कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा जी कि हम दिल्ली में तो नहीं आएंगे अभी तो हम बॉम्बे ही चलाएंगे पहले तो खैर दो एक महीने बाद मुझे अपने काम से ही बॉम्बे जाना था तो मैं चला मैंने कहा भाई चलो इनके पास भी होके आएंगे तो मैं वहाँ चला गया और अमरजीत सर वहाँ जो है एक छोटे से घर घर टाइप था नीचे वो बेसमेंट में इनका ऑफिस था उसमें तो उधर बैठे हुए थे एक बार तो मुझे ये एम वग़ैरह बोल रहे थे वो सोच वो, वो भी डाउट लगा कि ये एमएनसी है, है कि भी नहीं जाके तो वहाँ पे खैर मैं ये दो सी सी का सामान लेके वहाँ से चला आया और फिर मैंने जो है उसको यूज वगैरह कराया लोगों को यूज कराया तो कई लोगों को अच्छा लगा अच्छा उससे पहले क्या हुआ जब इस बीच में जो है जो ये एम की बात चली तो मुझे पता ही नहीं था ये एम होता क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है तो जैसे पता किया तो कई लोगों ने बोला भाई एक कंपनी हमने चार साल की एक रात को सोए सुबह उठे कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ गई ऐसे ही कई लोगों ने बताया कि हमने चार साल किया एक कंपनी में छः साल किया तो मैंने कहा भाई ये तो स्टडी करना पड़ेगा कि ये फील्ड क्या है तो मैंने क्या है एक पैंतीस कंपनियों की लिस्ट पूछ के इंटरनेट से देख के पैंतीस कंपनियों की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में धक्के खाना चालू कर दिया और तीन महीने तक करीब पैंतीस कंपनियों में धक्के खाए क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उस कंपनी को करूं जो सबसे बढ़िया ही हो और इसकी भी फॉर एवर की भी इंक्वायरी करनी थी तो तीन महीने बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं और फिर मैंने इसमें पार्ट टाइम काम करना चालू किया कुछ महीनों में मैंने देखा कि ठीक ठाक इनकम आनी चालू हो गई फिर मैंने सोचा कि ये तो पार्ट टाइम में ही पैसे आने चालू हो गए इसको मैं फुल टाइम कर लूं या यहां पे और टाइम बढ़ा दूं तो और ज़्यादा पैसा आ सकता है तो मैंने इधर टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया ट्रेडिशनल बिजनेस में घटाना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि मेरी इनकम बढ़नी चालू हो गई और अभी बढ़ते बढ़ते ये हालत है कि अब तक सत्रह करोड़ रुपये से ज़्यादा मुझको ऑलरेडी फॉर से आ चुका है अभी यहां इंटरेस्टिंग बात यह है मज़े की बात यह है कि इतने पैसे के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया था मैं यहाँ पे आया था कि 40 पचास हजार रुपये महीने यहाँ से आ जाएं 40 पचास हजार रुपये महीने ट्रेडिशनल बिजनेस से आ जाएं अस्सी हजार लाख रुपये महीने आएंगे तो लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी इस तरह से मैं यहाँ पे आया था अब सवाल अब महीने के कितने बैठते हैं ये पिछले एक साल में मुझे करीब दो करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुका है महीने का पंद्रह लाख से ज्यादा बैठता है एक दिन का पचास हजार से ज्यादा बैठता है अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी सक्सेस का राज क्या है आप इतने सफल कैसे हो गए इस बिजनेस के अंदर तो मैं उनको तीन चीज ही कहता हूं कि इसके तीन फार्मूले हैं पहला फार्मूला है ट्रेनिंग दूसरा फार्मूला है ट्रेनिंग तीसरा फार्मूला है ट्रेनिंग देखिए यदि आपने दस बीस पचास हजार रुपए कमाने हैं इस कंपनी से तो वो तो ऐसे ही आ जाएंगे उसमें ट्रेनिंग व्रेनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ प्रोडक्ट वग़ैरह सीख लो <laughs> थोड़ा बहुत और काम कर लो तो उससे भी आ जाएंगे लेकिन यदि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए आपको लाखों करोड़ों में चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए कुछ आपको कसरत करनी पड़ेगी तो आप इस कसरत के लिए तैयार हैं क्या तो ये कसरत क्या करनी पड़ेगी आपको एक तो प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा 25 25-30 प्रोडक्ट समझने जरूरी हैं आपको जो कंपनी का बैकग्राउंड है उसको समझना जरूरी है मार्केटिंग प्लान को समझना जरूरी है मतलब इन बेसिक चीज़ों को समझना आपको जरूरी है इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और भी समझनी जरूरी हैं वो क्या है वो है आपको इस्माइल करना इस्माइल करना बहुत जरूरी है एक्चुअली क्या है हम सीरियस होकर करते हैं इस बिजनेस को और इंडिया को ऐसे भी रोते हुए लोगों का देश माना जाता है 200 कंट्री हैं पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का नाम उसमें एक रोते हुए कंट्री के रूप में जाना जाता है 118 नंबर है इंडिया का मतलब आपको मैं एग्जांपल देता हूं मुझे दिल्ली में एक स्कूल है उसमें बुलाया गया एज ए विशिष्ट अतिथि भाषण देने के लिए बुलाया गया तो और भी लोग आए हुए थे वहाँ वीआईपी वगैरह तो मेरी जो चेयर थी जो प्रिंसिपल की चेयर है उसके पास ही लगी हुई थी तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा यार ये, ये इधर मातम क्यों छाया हुआ है इतना मतलब वहाँ ऐसे लग रहा था मुझे जैसे मैं किसी शोक सभा में आया हूँ ऐसे नहीं लग रहा था किसी स्कूल में गया हूँ तो उसने बताया प्रिंसिपल ने मुझे कि भाई इधर जो है ना ये 200 250 हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो ये इनके काफ़ी लोगों के तो ये अनाथ हैं काफ़ी बच्चे तो इसमें और काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही गरीब हैं ये पूरे इंडिया से आए हुए हैं ये दो सौ ढाई सौ लोगों बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल था कहते हैं ये लोग बड़े गरीब हैं अनाथ हैं इसलिए ये इस तरह से रहते हैं मैंने कहा यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि वही गरीब हैं तो वो हंस नहीं सकते तो मैंने जो है जब ये सबके अच्छा मेरा भाषण सबसे बाद में रखा गया तो सबके भाषण ख़त्म हो गए तो मुझे बोला गया भाई कि भाई आप भाषण दो इनको दो शब्द कहो तो मैंने जो है उनको जो है ये बोला कि भाई आप सब रोते हुए लग रहे हो मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं जैसे मैं किसी शोक सभा में आया हुआ हूँ मैं आपको कुछ जो है तरीके बताता हूँ हंसने के और यदि आप खुश हो जाओगे तो मतलब वो ही मेरी जीत है तो मैंने उन्हें कुछ बच्चों को सिखाए हंसने के फार्मूले कि कैसे हँसा जाए और फिर तो वहाँ जो है जितना मतलब खिलखिलाए वो बच्चे वो प्रिंसिपल भी बोला भाई मैंने मैं यहाँ करीब पंद्रह साल से हूँ मैंने इन बच्चों को ऐसे हंसते खिलखिलाते आज तक नहीं देखा और फिर बाद में कई बार वहाँ मैं गया तो जिधर से निकल जाता तो बच्चे मतलब खुशी की लहर दौड़ जाती एक ऐसे ही एक आध वाक्य उधर भी हुआ अहमदनगर गया मैं महाराष्ट्र में, में। वहाँ 200-250 बच्चे उसके थे वो तो एड्स पीड़ित थे सारे बच्चे तो संस्था है वो चला रही थी उसको तो वहाँ भी यही इसी तरह का किस्सा हुआ तो वहाँ भी उनको ये ट्रेनिंग दी तो उसको जब वहाँ से आ रहे थे तो एक बच्चे ने मुझको पकड़ लिया उधर छोटे से बच्चे ने और मुझको कहता है सर आप फिर कब आओगे यानी बड़ा इमोशनल सीन था ये तो फिर हमने उन लोगों को कहा कि हर साल हमारे यहाँ से कोई आपको जो है ना यहाँ पे जरूर आएगा हर साल एक साल में एक बार तो ये हंसना क्यों जरूरी है ये ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज ये चीज ये मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर्स में और इसका मैं एफएलपी का भी एग्जांपल आपको देता हूँ ब्राजील के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं आजकल वो जब ये कंपनी ज्वाइन की थी उन्होंने फॉर तो वो जो है इसमें सफल नहीं हुए कई महीने तक काम करते रहे वो सफल नहीं हुए फिर उन्होंने अपने अपलाइन के साथ बैठे वो और उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि भाई मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ फॉरवर एक बढ़िया कंपनी है मार्केटिंग प्लान बढ़िया है प्रोडक्ट्स बढ़िया है हर चीज़ बढ़िया है मैं सफल क्यों नहीं हो रहा इसमें तो जब एनालाइज़ किया गया तो ये पता चला कि जब ये कस्टमर से बात करते हैं तो ये जो है रोते हुए करते हैं बात मतलब इनका जो चेहरा है जो मुखड़ा है वो पसंद नहीं आता कस्टमर को क्योंकि कस्टमर क्या पसंद करता है एक खुश चेहरा आप फोटो भी खिंचवाते हैं तो कैसे खिंचवाते हैं क्या बोलता है वो चीज बोलता है ऐसे क्यों खिंचवाते हैं हाँ अच्छा लगता है वो यादगार है वो तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने यह सीखा हंसना बाकायदा एक मिरर लिया मिरर के सामने प्रैक्टिस वगैरह करके ये सारा सीखा उन्होंने और सीखने के बाद फिर वो हंसना सीख गए और फिर उन्होंने काम करना चालू किया फिर उन्होंने काम करना चालू किया फिर सफल नहीं हुए अब फिर से एनालाइज किया भाई ये तो हंसने की कमी थी और हंसना भी सीख गए अब क्या चक्कर है तो फिर एनालाइज करने में ये आया कि जब ये दूसरे बंदे के पास सामने हंसते थे तो कस्टमर को ऐसे लगता था जैसे रो रहे हों तो फिर मर्ज समझ में आ गया मतलब जो प्रॉब्लम थी वो फिर पकड़ में आ गई तो फिर इन्होंने एक्चुअली कि कैसे सीखा जाए हंसना प्रॉपरली फिर प्रैक्टिस की द्वारा से और फिर जो है ये द्वारा से हंसना सीख गए और फिर क्या हुआ ये फिर मिलियन डॉलर टॉप डिस्ट्रीब्यूटर वहां के बने मिलियन डॉलर का मतलब इनकी जो इनकी जो सालाना की इनकम है छह करोड़ से ज्यादा सालाना की इनकम में पहुंचे मतलब आप ये सोच के देखें कि एक बंदा जो सक्सेसफुल नहीं था वो केवल हंसना सीख के और कितने इनकम पे पहुंच गया है मतलब छह करोड़ रुपए साल का मतलब है करीब पचास लाख रुपए महीने पचास लाख रुपए महीने की इनकम पे वो इस कला को सीख यानी ये कला सीखी और वहां पे पहुंच गया देखिए आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता है सबसे पहली चीज होती है कि प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में तीस साल चालीस साल पचास पचास साल मेहनत करते हैं और वो भी एक पचास हजार रुपये महीने की इनकम पे नहीं पहुंच पाते आपने कभी सोचा है कि इसका रीजन क्या होता है इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो एक पचास हजार रुपए महीने के इनकम पे भी नहीं पहुंचते दोस्तों यदि आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इन लोगों को लाइफ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है एक अच्छा पथ प्रदर्शन एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ने से रह जाते हैं आज जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ये पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर करीब एक लाख कंपनियां हैं इन एक लाख कंपनियों में जहां आप बैठे हुए हो यह सबसे बढ़िया कंपनी है उसमें <laughs> सर्वे भी हो चुके हैं इसके 2015 में का सर्वे हुआ इन एक लाख कंपनियों में जो बेस्ट कंपनी किसको माना गया 2015 की फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को इसके बाद 2016 का सर्वे हुआ 2016 के सर्वे में किस कंपनी को बेस्ट कंपनी माना गया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर भी सर्वे हुए पहले सर्वे करके 16 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया और फिर उनकी गहराई से जांच की गई इन 16 कंपनियों की और आपको जानकर खुशी होगी कि इन 16 कंपनियों में से भी किस कंपनी को बेस्ट कंपनी माना गया है फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स को दोस्तों पर्टिकुलरली आज जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर इससे सिंपल बिजनेस नहीं हो सकता है और आप में यहां पे बैठा हर व्यक्ति इसको कर सकता है और हर व्यक्ति इसको करके करोड़पति बन सकता है और इंडिया का व्यक्ति तो इसको इस बिजनेस को पेट से सीख के आता है मां के पेट से सीख के आता है मैं बताता हूं कैसे आप कहीं पे जाते हैं मान लिया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाना इतना स्वादिष्ट है कि आप उंगलियां चाटते हैं वहां पे अब आप खाना खाके घर आ जाते हैं फिर क्या करते हैं आप चार लोगों को बताते हैं नहीं बताते तो क्या होता है कुछ मानसिक शांति नहीं पड़ती नहीं पेट में गुटरगू गुटरगू होता रहता है होता है ऐसा अब आप अगली बार जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या वो फ्री खाना खिलाएगा नहीं या आप कोई फिल्म देखने चले जाएं, और फिल्म ऐसी बारह से तीन का शो आप देखते हैं और आपको ये लगता है अगले तीन शो भी देख के जाऊंगा मैं तो लेकिन आप टिकट विंडो पे जाते हैं और टिकट नहीं मिलती आपको आप जो है वापिस आना पड़ता है घर आपको और घर आ गए आप घर आके फिर क्या होता है घर आके फिर आप चार लोगों को बताते हैं नहीं तो क्या होता है मानसिक शांति नहीं मिलती और पेट में गुटरगु होती है तो हम क्या कहते हैं फॉर एवर में कि आप हमारे दस प्रोडक्ट यूज करो और इन दस प्रोडक्ट्स में से आप कम से कम पांच प्रोडक्ट्स के मुरीद हो जाओगे और फिर उन पांच प्रोडक्ट्स का आप क्या करोगे आप बताना चालू करोगे उनको और बताना चालू करोगे तो क्या होगा काम चालू बिजनेस चालू आपका अब आप बताएं इससे सिंपल बिजनेस हो सकता है क्या कुछ मेरा टाइम हो गया लगता है है <laughs> देखिए आप एक सही रेलगाड़ी में बैठेंगे ना तो सही जगह पहुंचेंगे देखिए यहां से आपने मुंबई जाना है अब मुंबई जाने के बहुत तरीके हैं आप फ्लाइट से जा सकते हैं वहां पे ट्रेन से जा सकते हैं बस से भी जा सकते हैं और बैलगाड़ी से भी जा सकते हैं लेकिन यदि आप बैलगाड़ी में भी बैलगाड़ी से भी चले गए तो आप कहां पे पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे यदि आपकी मंजिल है करोड़पति बनना तो आप यदि बैलगाड़ी में भी पहुंच गए तो भी मुंबई पहुंच जाएंगे नहीं यदि आप सही सड़क पे हैं और आप बैलगाड़ी से कूदे नहीं, नहीं? बैलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है तो यदि धीरे धीरे भी यहां पे चलोगे तो भी आप किसी भी लेवल तक यहां पे पहुंच जाओगे धीरे ही पहुंचोगे ना लेकिन डायरेक्शन तो ठीक है ना आपकी एक सही रास्ते पे तो जा रहे हो ना आप तो दोस्तों यह एक ऐसी कंपनी है किसी भी ऊंचाई पे आप जा सकते हैं यहां पे और मेहनत जो है आपने ही करनी पड़ेगी क्योंकि क्या है घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है पानी घोड़े को खुद पीना पड़ता है यदि आप आज यहां से शपथ लेके चले ये कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता कई लोग मुझे पूछते हैं जी मैं क्या करूं मैं कई लोगों को बोलता हूं तू भूत बन जा एक साल के लिए भूत बन जा भूत का क्या काम होता है भूत को यह नहीं पता होता रात के ढाई बजे हैं या दिन के ढाई बजे हैं वो उसे काम करने से मतलब है और एक साल जिसने काम कर लिया यहां पे वो क्या है फिर मैनेजर बन जाएगा मैनेजर की इनकम होती है पचास हजार से लेके दो लाख रुपए महीने तक और उसके बाद तो ऑटो गियर में चल जाएगा वो नहीं ऑटोमेटिक काम करेगा मोटिवेशन फिर फिर बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है अंदर से जब पैसा आएगा वो ऑटोमेटिक काम करेगा ओके okay. तो अभी मुझको दो लाइनें याद आ रही हैं क्योंकि बार बार मेरी तरफ देखा जा रहा है अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दो मिनट लगेंगे क्योंकि क्योंकि नए लोगों के लिए जरूरी है देखिए नए लोगों को हम यहां पे कहते हैं जी आप यहां छह महीने काम करो एक साल काम करो आपको पचास हजार रुपये महीने आने लगेंगे एक लाख रुपए आने लगेंगे दो लाख आने लगेंगे तीन लाख आने लगेंगे दूसरी तरफ बंदा पचास पचास साल में पचास हजार रुपये महीने भी नहीं आ रहे तो ये बात जल्दी से हजम नहीं होती कुछ लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि ये पैसा कहाँ से आता है क्यों आता है किस तरह से आता है तो फिर कन्विंस हो जाएंगे आप और फिर एक नया व्यक्ति भी काम करने लगेगा नहीं तो थोड़ी सी यह समझने की कोशिश करें क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आप कोई दूसरा बिजनेस या सर्विस करें जो वहां पचास साल में आप कमाएंगे वो वो यहां पांच साल में वो कमा सकते हैं उतना ही आप एक केमिस्ट पे जाएँ मान लिया वहाँ एक गोली खरीदते हैं आप ये गोली एक रुपए की आती है मान लिया तो ये फैक्ट्री से कितने चक्की की चलती है ये दस बीस तीस पैसे की चलती है आपको एक रुपए की मिलती है बीच में क्या है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सिटी डिस्ट्रीब्यूटर आपका दुकानदार शॉपकीपर ये ये सब लोग होते हैं डीलर वगैरह तो इनके मार्जिन उसमें जुड़ जाते हैं क्योंकि इनमें धर्मार्थ के लिए कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता तो इनके मार्जिन उसमें मार्जिन प्रॉफिट पैसा उसमें जुड़ जाता है इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आमिर खान बोलते हैं ठंडा मतलब कोका कोला 20 करोड़ रुपए जेब में घुस गए ये 20 करोड़ क्या कंपनी घर से ला के देगी नहीं प्रोडक्ट से ही निकलेगा ये इसके अलावा बीस हजार लोग पूरे इंडिया में मार्केटिंग में लगे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग सैलरी पांच लाख रुपए महीने प्रेसिडेंट मार्केटिंग सैलरी दस लाख रुपए महीने तीस चालीस जनरल मैनेजर सैलरी ढाई लाख रुपए महीने इसके अलावा फील्ड स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन ये वो ये बीस हजार लोगों का जो तामझाम है इसका खर्चा कहां से निकलता है इसका खर्चा प्रोडक्ट से ही निकलता है इस सिस्टम को कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केटिंग अमेरिका के अंदर 45 से 50 परसेंट बिजनेस इस तरह से किया जाता है अब एक तरह दूसरा बिजनेस होता है जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग अब जो फॉर है इस तरीके से काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से तो जो पैसा वहां डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन सब लोगों को जा रहा था दुकानदारों वगैरह को उस पैसे को बचा लिया जाता है और उस पैसे को इधर दे दिया जाता है हम लोगों में बांट दिया जाता है उसको क्योंकि क्योंकि अलग से कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है वहां पे आमिर खान को जो बीस करोड़ रुपए मिले थे एडवर्टाइजमेंट के उसको भी बचा लिया जाता है और वो कहां पे दे दिया जाता है हम लोगों के बीच में उसको बांट दिया जाता है क्योंकि अलग से एक रुपया भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती है हम लोग ही कंपनी के अमिताभ बच्चन और करीना कपूर हैं यह जो बीस हजार लोगों का जो तामझाम होता है उसके खर्चे को भी बचा लिया जाता है और वो कहां दे दिया जाता है वो हम लोगों में बांट दिया जाता है अब मैं नए लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं यदि इतना सारा पैसा हमको मिले तो क्या आप सोचते हैं कि छह महीने में या एक साल में आपको पचास हजार या एक लाख या दो लाख या तीन लाख रुपए महीने आ सकता है तो समझ गए आप बस <laughs> यही तो समझाना था अभी खैर मुझको बार बार रिमाइंडर आ रहा है मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं लाइनें क्या है ये मेरी जिंदगी का मतलब आईना है एक तरह से आंखों में सपने थे हम कभी गिरते रहे कभी संभलते रहे आंखों में सपने थे हम कभी गिरते रहे कभी संभलते रहे आंधियों ने पूरा दम लगाया मेरे चिराग आंधियों में भी जलते रहे थैंक यू धन्यवाद